इन दिनों मधेपुरा में विचाराधीन बंदियों के साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई किए जाने का लगातार मामला सामने आ रहा। मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है। बता दें कि मधेपुरा जेल का एक ऐसा ही बंदी दो दिनों से JNKT मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है। उसके शरीर के जख्म बताते हैं कि जेल में उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है। असहाय दर्द और मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण बंदी ठीक से भी बोल नहीं पा रहा। बंदी की पहचान गमरिया थाना क्षेत्र के त्रावे वार्ड नंबर 6 निवासी मनोज मेहता के रूप में की गई है। बताया गया है कि रविवार की शाम को गमरिया थाने की पुलिस ने मनोज मेहता को उसकी दुकान पर से 10 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। हालांकि परिजनों की माने तो 1 लीटर शराब था। मनोज के भाई प्रमोद कुमार के द्वारा बताया गया कि उसकी जमानत के लिए उन लोगों ने वकील तय कर जेल में वकालतनामा पर हस्ताक्षर कराया था। गुरुवार को भी उसी सिलसिले में उससे मिलने के लिए जेल गए थे, लेकिन उससे मुलाकात नहीं होने दी गई। इसके बाद वह वापस घर आ गया। इसी बीच उसी के गांव का कोई व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे का इलाज कराने गया था। उसने मनोज को कराहते देखा तो प्रमोद को फोन किया। इसके बाद जब वे लोग आए तो भाई की स्थिति काफी गंभीर देखी। परिजनों के द्वारा आरोप है कि मनोज के साथ जेल में अमानवीय व्यवहार किया गया है। वहीं जेल अधीक्षक अमर शक्ति ने बताया कि बंदी मनोज शराब का एडिक्टेड है। जेल आने के बाद वह अजीब हरकतें कर रहा था, खुद ही दीवार से सर पटक रहा था। उस वक्त खाना बन रहा था, वहां भी हंगामा करने लगा। सदर अस्पताल से आए डॉक्टर पर भी हमला कर दिया था। काफी हंगामा कर रहा था, इस कारण से उसे सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया था। जी देखिए, पूरा सूजन है, चप्पल से बोल रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार मेहता। कैसे चोट लगा आपको? चोट में सर पैर में बांध ऐसे पका के ले गया। कौन मारा ऐसे? यादव नहीं है। आप जेल भी गए थे? थे। कब गिरफ्तार हुए थे, किस मामले में? सर पुराना कोई मामला। चोट आपको कहाँ लगा, कैसे लगा? हमको बताता हूँ, एक आदमी था उधर गए तो पता नहीं किस मकसद से मारा है। जेल के अंदर ही मारा? नहीं, बाहर। तो बाहर आप जेल से कब निकले? जेल से बाहर आप कब निकले? अंदर सामने कौन लेके गया था बाहर? कौन बाहर लेके गया था बाहर में? तो गाड़ी को पिछला घर याद नहीं, याद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।